स्वागत है आपका फ्यूबल चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3x3 क्यूब को सॉल्व करने की ट्रिक। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना और जितना हो सके उतना शेयर भी करना। तो आप आज सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने मेरे इस क्यूब को अच्छे से सफल कर लिया है। देखिए, आपको इसके सॉल्व करने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ। इस क्यूब में जो है 6 सेंटर पीस होते हैं, ये सेंटर पीसेज जो होते हैं वो, और वो अपने प्लेस से कभी मूव नहीं होते हैं। देखिए, हम कौन सी भी साइड मूव कर ले पर वो सेंटर पीस अपने प्लेस पर ही रहने वाले हैं। देखा तो अभी हमें, और ये जो है ये कॉर्नर पीसेस है। ये देखो, इस क्यूब में जो है 8 कॉर्नर पीसेस होते हैं, 4 टॉप में होते हैं और 4 बॉटम में होते हैं। और इसमें जो है एज पीसेस भी है। ये देखिए, ये एज पीसेस होते हैं जिसमें 2 साइड्स होती है और कॉर्नर पीसेस में 3 साइड होती है। देखिए, इसमें एज पीसेस जो है वो 12 है, 4 टॉप पे है, 4 मिडल में है और 4 बॉटम में है। तो ये देखिए, बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको साथ साथ में इसमें अल्गोरिदम भी है। बहुत सिंपल से अल्गोरिदम है, आपकी स्क्रीन पे भी आएंगे, तो आप इसे सिंपली उसे देखना है और सॉल्व कर लेना है। तो देखिए, अभी पहले क्या करना है, हमें कोई भी एक कलर का सेंटर लेना है। आप वाइट ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं। यहाँ पे मैं वाइट लेने वाला हूँ क्योंकि मैंने वाइट से ही सीखा है, तो मेरे को वाइट ज़्यादा सिंपल जाता है इसीलिए। तो देखिए, हमें क्या करना है, पहले हमें वाइट का प्लस बना लेना है। तो देखिए, अभी क्या करेंगे, हम वाइट को टॉप पे ले जाएंगे। और अभी देखिए, ये 2 एज पीसेस मिले हैं। अभी देखिए, सिंपली हमें इस 2 एज पीसेस को ऊपर ले लेना है। देखिए, अभी ये 2 लाइन हो गई है, अभी ये 2 एज पीसेस बाकी हैं। तो अभी देखिए, ये एक एज पीस इस लाइन में है, तो इसे हमें से मूव कर लेना है और ये इसे लेकर आ जाना है। देखिए, अभी ये एक जो यहाँ पर था वो ऑटोमेटिकली ऐसे था तो ऐसे हो गया है। तो अभी देखिए, उसके ऊपर जो है हमें जो बाकी था वो वाला लेकर आना है और उसे भी ऊपर ले लेना है। देखिए, हमारा जो है ये प्लस बन गया है। अभी हमें इसमें ध्यान नहीं देना है, ये अगर पूरे बन गए तो भी हमें इसे अलग करना पड़ सकता है। तो अभी देखिए, हमारा ये प्लस बन गया है। अभी क्या करना है, हमें प्लस के जो ये जो एज पीसेस है उसको हमें सेंटर के साथ में मैच करना है। देखिए, मेरा अभी ये ब्लू और ब्लू मैच है, पिंक और ऑरेंज मैच नहीं है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इस वाइट फ्रंट साइड को 2 बार रोटेट कर लेना है। तो देखिए, अभी जो एच पी से पिंक और वाइट वाला वो नीचे आ गया है। अभी इसे हमें सिर्फ पिंक के पास लेके जाना है। देखिए, पिंक के पास आ गया है। तो अभी हमें इसे 2 बार एफ और करना है, फ्रंट साइड को वापस से मूव कर लेना है। देखिए, अभी ये जो है पिंक और वाइट आ गया है और ये ऑरेंज और वाइट बाकी है, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। तो देखिए, अभी इसे हम ऑरेंज के पास लेके जाएंगे और बेसिकली ऊपर कर लेंगे। तो देखिए, अभी हमारा ये प्लस बन गया है और ये जो है 2 लाइन भी मिक्स हो गए, मैच हो गए। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो कॉर्नर पीसेस है उसे अपनी सही पोजीशन पे लेकर आना है। देखिए, अभी हम क्या करेंगे, सिंपली हमें जो ये जो लाइन है पहले इस लाइन में देखना है कि कोई वाइट वाला कॉर्नर पीस है कि नहीं है। तो देखिए, अभी मेरी इस साइड में है कॉर्नर पीस, तो हमें उसे देखना है कि उसके ऊपर कौन सा टच है, नीचे वाला नहीं देखना है, ऊपर कौन सा टच है। तो देखिए, उसके ऊपर वाले साइड में जो है वो ऑरेंज टच है, तो हमें उसे ऑरेंज के पास लेके जाना है। देखिए, सिंपली हम ऑरेंज के पास लेकर आ गए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपली इसे नीचे मूव कर लेना है और राइट डाउन साइड को राइट में ले लेना है। तो देखिए, हमारा आ गया है, इसका एल्गोरिदम आपके स्क्रीन पे भी आएगा। तो देखिए, मैं एक और आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, अभी जो है ये वाला जो एज पीस है, कोई कॉर्नर पीस यहाँ पे है नहीं टॉप में, तो फिर हम बॉटम में देखेंगे। तो देखिए, बॉटम में भी कोई भी नहीं है, तो अभी हमें इस टॉप लेयर में देखना है। देखिए, इस टॉप लेयर में यहाँ पर वाइट पीस है, तो हमें क्या करना है, उसे वाइट अगर यहाँ पे रहा तो वाइट को अपने सामने लेकर आना है। देखिए, अभी मैं वाइट मेरे सामने लेकर आया हूँ, तो हमें क्या करना है, सिंपली उसे नीचे ले लेना है। अभी देखिए, हमने नीचे ले लिया है, अभी हमें इसी लाइन में रखना है। अभी अगर मैं इसी लाइन में यहाँ पे रखूँगा तो वापस ऊपर आ जाएगा, तो मुझे इस लाइन में यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसे मूव कर लूँगा। देखिए, कोई और मूव नहीं हो रहा है, ये भी अपने पोजीशन पे है, और अभी इसे वापस ले लेना है।
देखिए यह अभी ऊपर आ जाएगा, देखिए हमारा ये आ गया है वाइट इस वाले लाइन में डाउन वाली, तो हमें उसके साइड में जो पीस है वो देखना है। देखिए अभी इसके साइड में ब्लू है तो वो राइट में है, तो राइट को नीचे ले लेना है, आर डैश डी आर डैश। तो देखिए सिंपली हमें ऐसा करना है, इसका जो एल्गोरिदम है वो आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए अभी हमारी जो है फर्स्ट लेयर बन चुकी है, देखिए ये पूरी लाइन बन चुकी है, ये कलर बन चुका है। अभी इसके अलग अलग केसेस भी आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि चारों में चारों अपने पोजीशन पे हो पर ये जो है वो इस पोजीशन पे ना हो। देखिए मैं आपको ये जो है ये वाली कंडीशन लेके आता हूँ, देखिए मैं ये केस लेकर आया हूँ। देखिए इसमें वाइट हमारा पूरा बना हुआ है, ये पीस भी मैच है, पर जो है वो कॉर्नर पीस जो है आके वो यहाँ पर नहीं चाहिए था, वो यहाँ पे चाहिए था, ये वाला पीस जो है वो यहाँ पे चाहिए था। तो हमें क्या करना है, सिंपली एक साइड को नीचे लेकर लेफ्ट में ले लेना है। देखिए अभी हमारा बॉटम में आ गया है, तो हमें अभी वही कंडीशन यूज़ करनी है। देखिए ये इसके लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट साइड को आर ए एल करना है। देखिए अभी हमारा ये हो गया, देखिए ये हमारा हो गया है, तो अभी ये जो यहाँ पर जो वाइट वाला कॉर्नर था वो यहाँ पर आ गया है। देखिए तो अभी इसे हमें पिंक के पास लेके जाना है क्योंकि पिंक कलर है। देखिए अभी पिंक कलर के पास मैं लेकर आया हूँ, तो हमें क्या करना है, इसे डाउन साइड ले लेना है, फिर इसे लेफ्ट में ले लेना है। अगर हम राइट साइड को नीचे लेंगे तो लेफ्ट को लेफ्ट साइड लेफ्ट टर्न करना पड़ेगा, अगर लेफ्ट को नीचे लेंगे तो राइट साइड में टर्न करना पड़ेगा। तो देखिए अभी इस वाइट को जो है वो पिंक टच है, तो हमें क्या करना है, इसको पिंक के पास लेकर आ जाना है और वही एल्गोरिदम वापस से लगा देना है। वही एल्गोरिदम है, सिर्फ मैंने आपको ये कंडीशन बताई है। देखिए ये भी वैसी है, मैं भी इसे कर लेता हूँ। देखिए हमारी फर्स्ट लेयर बन गई है। फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, तो मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर आऊँगा। आपको जो अगली वीडियो चाहिए उसके लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए वो क्यूब की वीडियो ज़रूर लाने की कोशिश करूँगा। देखिए अभी हमें क्या करना है, फिर अभी देखिए हमें सेकेंड लेयर करनी है, ये जो 4H पीसेस है उसे अपनी पोजिशन पर लाना है। अभी देखिए ये जो है ये यहाँ पर नहीं चाहिए था, वो यहाँ पर चाहिए था। और इस लेयर में भी आपको दो कंडीशन मिल सकती है, एक हो सकता है कि आपका चारों के चारों ऊपर ना हो, चारों यहाँ पर भी हो सकते हैं, एक ऊपर हो बाकी सब यहाँ पर भी हो सकते हैं। अभी देखिए मेरा एक ऊपर है, हमें क्या करना है, ये वाइट जो फर्स्ट लेयर बन गई है उसे पूरा डाउन लेकर आ जाना है। अभी येल्लो को टॉप में पकड़ना है, देखिए मैंने येल्लो को टॉप में पकड़ लिया है। अभी इस लाइन में हमें ऐसा देखना है जिसको येल्लो टच नहीं है, क्योंकि येल्लो टॉप पे है तो वो इसी लाइन में बनने वाला है, तो वो इस एज पीसेस में नहीं आएगा। तो देखिए अभी मेरा जो है ये ब्लू और पिंक है, तो हमें क्या करना है, इसे ब्लू के पास लेके जाना है, जो हमारे सामने जो कलर है उसके पास लेके जाना है। देखिए अभी मैं ब्लू के पास लेकर आया हूँ, तो हमें क्या करना है, उसके ऊपर के कलर देखना है। अभी देखिए इसके ऊपर जो है वो पिंक कलर है, तो अभी हमें क्या करना है, इसे पिंक कौन से साइड में वो देखना है। देखिए पिंक हमारा लेफ्ट साइड में है, तो हमें क्या करना है, सिंपली एक एल्गोरिदम लगाना है अगर लेफ्ट साइड में हो तो। ये एल्गोरिदम भी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, हमें क्या करना है, यू डैश एल डैश यू डैश एल यू एफ यू और एफ डैश। तो देखिए हमारा जो है ये पिंक और ब्लू अपने पोजीशन पे आ गया है, और जो है हमारा ये वैसे के वैसे बना हुआ है, तो हमें उसके टेंशन नहीं है। अभी हम देखते हैं दूसरा एच पीस। अभी देखिए मेरा दूसरा एच पीस जो है वो ये है, ऑरेंज और ग्रीन। अभी मैं इसे सिंपली ऑरेंज के पास लेके जाऊँगा, देखिए मैं इसे ऑरेंज के पास लेकर गया,
अभी देखिए ऑरेंज के ऊपर जो है वो है ग्रीन कलर, तो हमें इसे ग्रीन के पास लेके जाना है। ग्रीन कौन से साइड में वो देखना है पहले। तो देखिए अभी ग्रीन इसके राइट साइड में है, तो देखिए ये दूसरी कंडीशन है, पहले हमारे लेफ्ट में था, इस बार हमारे राइट में है। तो हमें बेसिकली उस जो एल्गोरिदम था उसका अपोजिट करना है, मिरर करना है। देखिए हमें क्या करना है, आर यू नहीं, देखिए आर यू नहीं करना, पहले इसे हमें यू आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश यू डैश एफ। देखिए हमारा ये वाला भी अपनी पोजीशन पे आ गया है। अभी देखिए हमारे जो है वो ये दो एज पीसेस बचे हैं। ये देखिए मुझे इस टॉप लाइन में ये वाला एज पीस मिल दिख रहा है जिसको ऊपर ग्रीन है। अभी मैं इसे पिंक के पास लेके जाऊंगा। देखिए मैं इसे पिंक के पास लेकर आया। अभी क्या करना है, इसके ऊपर जो कलर है वो देखना है। देखिए अभी इसके ऊपर जो है वो है ग्रीन कलर, तो ग्रीन अभी उसके लेफ्ट साइड में है, तो हमें क्या करना है वही लेफ्ट साइड वाला एल्गोरिथम लगा देना है। एल डैश यू डैश एल यू, देखिए अभी हमें इसमें लेफ्ट एल्गोरिथम लगाना है। एल डैश, देखिए अभी इसमें हमें लेफ्ट लेफ्ट साइड वाला एल्गोरिथम लगाना है। यू डैश एल डैश यू डैश एल यू एफ यू डैश एफ डैश। तो देखिए हमारा ये वाला भी बन गया है। अभी देखिए हमारे लगभग सारे एच पी बन गए हैं, सिर्फ ये एक बाकी है। तो अभी देखिए हमें इसे भी हमें टॉप लेयर में देखना है। देखिए अभी मेरा जो है ये यहाँ पर है, अभी देखिए ऑटोमेटिकली ऑरेंज के ऊपर ही है, तो हमें इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमें देखना है कि उसके ब्लू लेफ्ट में है कि राइट में है। देखिए अभी इसके लेफ्ट में है ब्लू, तो हमें वही लेफ्ट साइड वाला एल्गोरिथम वापस से लगाना है। देखिए अभी मेरा जो है सेकेंड लेयर बन गई है। अभी आपको भी दिख रहा होगा कि हमारा क्यूब धीरे धीरे बन रहा है। तो अभी देखिए हमें लास्ट लेयर बनानी है। लास्ट लेयर में थोड़े से ज़्यादा एल्गोरिथम से वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमें इस पूरे दो लेयर्स को बिना हिलाए करना है इसीलिए। पर उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि जो है एक यहाँ पर अपने ही प्लेस पर चाहिए, पर ऑरेंज यहाँ पर हो और ग्रीन यहाँ पर हो। देखिए मैं वो आप देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कंडीशन लेकर आया हूँ। देखिए अभी ये ग्रीन और ऑरेंज जो है उसी के प्लेस पर है, पर अपने प्लेस में ही मूव है। ऑरेंज जो है वो यहाँ पे चाहिए था और जो ये ग्रीन है वो यहाँ पे चाहिए था। देखिए हमें बेसिकली क्या करना है, ये जो है हमें इसको राइट में ले लेना है, अपने राइट साइड में लेना है और उस साइड को ऊपर ले लेना है। इसका भी एल्गोरिथम आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए इसे ऊपर ले लिया, फिर उस साइड को अपने सामने लेकर आ जाना है। देखिए ये वही साइड है, फिर इसे हमें नीचे ले लेना है। तो अभी वाइट जो है वाइट को हमारे सामने लेकर आना है, वो अभी अपने पोजीशन से हिल गया है, अभी वो ऊपर के लेयर में रहने वाला है। अभी वाइट को हमारे सामने ही रहने देना है और यहाँ पे लेकर आना है। देखिए मैं फ्रंट को मूव करूँगा, ये एल्गोरिथम आपको दिख ही रहा होगा। तो देखिए अभी हमने ये कर लिया, तो देखिए जो हमारा ग्रीन और ऑरेंज था वो ऊपर आ गया है। तो अभी देखिए हमें क्या करना है, वही करना है। अभी देखिए हमारे राइट साइड में है ये ग्रीन, उसके ऊपर वाला जो है, तो हमें राइट साइड वाला एल्गोरिथम लगाना है। देखिए अभी ये जो है उसके राइट साइड में है, तो हमें राइट साइड वाला एल्गोरिथम लगाना है। देखिए अभी हमारे राइट साइड में आ गया है, इस साइड में आ गया। देखिए हमारे अभी दो लेयर बन गए। अभी आपको दिख रहा होगा कि
कि ये जो हमारा क्यूब है वो सॉल्व होते जा रहा है। देखिए इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर जो है वो चारों येलो वाले हो और यहाँ पर अपनी प्लेस पे मूव हो। देखिए मैं वो वाले जो आपके लिए कंडीशन है वो भी लेकर आता हूँ। देखिए गाइस मैं भी ये वाली कंडीशन भी लेकर आया हूँ। देखिए इसमें जो है ऊपर के जो चारों एज पीसेस है उसमें येलो कलर है तो हमें कोई भी नहीं है। और देखिए हमारा जो सेकंड लेयर है वो भी बनी नहीं है। ये जो पीस है वो यहाँ पे चाहिए था और ये वाला पीस इस साइड में चाहिए था। तो देखिए हमें क्या करना है, जैसे हमने वो उसकी अपने ही प्लेस पे जो मूव हुए हुए थे उसके लिए जो अपन ने एल्गोरिदम लगाया था वही एल्गोरिदम लगाना है। देखिए वो एल्गोरिदम भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए अभी हमारी जो इस ये वाली जो साइड है वो आ गई है ऊपर, तो अभी हमें वही मेथड यूज़ करनी है, राइट एल्गोरिदम। देखिए अभी ये वाला बन गया। अभी ये जो है राइट एल्गोरिदम लगाने हैं हमें। देखिए अभी मैं राइट एल्गोरिदम लगाता हूँ। देखिए मैंने राइट एल्गोरिदम लगा दी तो ये वाला आ गया अपने पोजीशन पे। अभी देखिए ये अपनी पोजीशन से हट गया है तो अभी हमें वही वैसा ही करना है। अभी इस बार लेफ्ट वाली एल्गोरिदम लगानी है तो देखिए मैं अभी लेफ्ट वाली एल्गोरिदम लगा रहा हूँ। देखिए अभी मेरा क्यूब जो है वो आपको दिख रहा होगा कि सॉल्व हो रहा है। देखिए अभी जो हमारी लास्ट लेयर बाकी है तो अभी इसमें भी आपको तीन कंडीशन मिल सकती है। एक कंडीशन ऐसी होगी कि जो है वो सारे मैच ना हो। अभी देखिए इस कंडीशन में एक भी मैच नहीं है। एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि कोई दो मैच हो, दो साइड वाले भी हो सकते हैं या दो अपोजिट वाले भी हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं आएगी आपको गाइस, ये दो कंडीशन ही आएगी आपको, ये कन्फर्म है। देखिए अभी हमें क्या करना है, अभी हमारे जो है चारों एज पीसेस नहीं है येल्लो के तो हमें कौन सी भी एक साइड ले लेनी है। देखिए अभी कौन मैंने अभी यहाँ पे ब्लू ले ली है तो अभी हमें क्या करना है, एक एल्गोरिदम लगाना है। बहुत सिंपल एल्गोरिदम है, ये आपकी स्क्रीन पे भी आ ही रहा होगा। FR U R-U-F-. देखिए गाइस अभी हमारे जो है दो येल्लो आ चुके हैं। जब भी आपके चारों नहीं रह गए तो आपके दो ही आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि तीन आए या चारों के चारों आ जाए। देखिए अभी हमारे दो आ गए हैं। हमें क्या करना है, जो ये जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हमें हमारे लेफ्ट साइड में रखना है। देखिए अभी जो उसके बीच में जो पीस है ये एंगल के, वो पीस को हमें टॉप लेफ्ट में रखना है। देखिए अभी मैंने इसे टॉप लेफ्ट में रखा है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है और ऐसे रख के फिर हमें इसे ऐसे ले लेना है। देखिए फ्रेंड्स तो अभी हम मेरे सामने ग्रीन कलर आया है तो हमें क्या करना है, वही एल्गोरिदम वापस से रिपीट करनी है जब तक कि वो आए ना। देखिए मैंने वही एल्गोरिदम, अभी देखिए वही एल्गोरिदम यूज़ करके जो है ये एक लाइन बन गई है। देखिए ये भी वही थर्ड कंडीशन है हमारी जो कि है अब दोनों अपोजिट साइड में होंगे। अभी देखिए अगर दोनों अपोजिट साइड में हैं, अभी मैं इसे मूव करके बता देता हूँ। देखिए अभी मेरे इस साइड में है तो मुझे इसी साइड से नहीं करना है, जो ये इन दोनों को हमें राइट और लेफ्ट में रखना है। देखिए अभी हमारे ये राइट और लेफ्ट में है तो हमें उसे पकड़ना है और वही एल्गोरिदम वापस से लगाना है। देखिए अभी मैंने वो एल्गोरिदम लगाया तो देखिए अभी हमारा जो है ये प्लस बन चुका है। और देखिए हमारा जो दो लेयर बनी हुई थी वो वैसे की वैसी ही है। तो अभी हमें जो अभी हमें क्या देखना है कि हमने जैसे फर्स्ट लेयर में किया था, देखिए हमने फर्स्ट लेयर में क्या किया था, प्लस बना लिया था, वैसे हमने यहाँ पे भी प्लस बना लिया है। अभी हमें क्या करना है, वैसे इन दोनों को मैच करना है। अभी देखिए ये दोनों मैच है, ये दोनों मैच नहीं है, ये दोनों भी मैच नहीं है और ये दोनों मैच है। तो गाइस इसमें भी आपको कंडीशन आ सकती है, ऐसा हो सकता है कि जो दो मैच है वो अपोज
दोनों साइड में ना हो, अपोजिट हो, एक यहाँ पर हो और एक उसके अपोजिट साइड में हो सकता है। अभी देखिए दोनों साइड में हैं और एक, और इसके अलावा कोई केस नहीं आएगी फ्रेंड्स आपको। तो अभी हमें क्या करना है, जो दो बने हुए हैं उन्हें अपनी पोजीशन से हिलाना नहीं है, उसे अपनी पोजीशन पे रहने देना है। तो हमें जो है इसे देखना है, इन दोनों पीसेस को। अभी देखिए इन दोनों पीसेस को हमने देखा, अभी हमें जो ऐसा कलर देखना है जिसके राइट साइड में, अभी देखिए ग्रीन के राइट साइड में उसका ग्रीन वाला है तो हमें उसे लेना है। और एक बेसिक एल्गोरिथम है जो आपकी स्क्रीन पर आएगा वो आपको फॉलो करना है। देखिए फ्रेंड्स वो एल्गोरिथम है R U R U R 2 U R U। देखिए फ्रेंड्स अभी हमारे जो ये पीसेस थे वो अपनी पोजीशन पे आ गए हैं। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स ये क्यूब सॉल्व करना। अगर आपको ये आ गया तो आपको 2x2 4x4 के भी इजीली आ जाएगी। तो देखिए अभी हमारे जो है ये दो पीसेस बन चुके हैं, दो दो वाले लाइन। अभी इसमें जो कंडीशन है, जो दो अपोजिट एंगल मिले हुए होंगे पर ये दो जो है वो नहीं मिले होंगे, वो कंडीशन भी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। देखिए फ्रेंड्स अभी मैं वो कंडीशन लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पर जो है मेरा पिंक बना हुआ है और ऑरेंज बना हुआ है, पर जो है ये ब्लू जो है वो यहाँ पे चाहिए था और ग्रीन यहाँ पे चाहिए था। तो हमें फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, जो हमारी जो ये साइड है उसे देखना है, कौन सी भी एक जो बनी हुई है उसे हमारे सामने लेकर आना है। देखिए अभी मैं पिंक लेकर आता हूँ और वही एल्गोरिथम लगाना है जो हमने पहले लगाया था, U R U R U R U R U। देखिए फ्रेंड्स अभी हमारे जो है ये दो बन गए हैं, अभी हमारे जो है ये फर्स्ट कंडीशन आ गई है। तो हमें बेसिकली क्या करना है वही करना है। अभी देखिए ऑरेंज के जो है इस साइड में, लेफ्ट साइड में है, हमें राइट साइड वाला नहीं देखना है, लेफ्ट साइड वाला देखना है। तो देखिए अभी हमें वही एल्गोरिथम वापस से लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने वो एल्गोरिथम लगा लिया, तो अभी हमारा जो है ये वाला बन गया है। अभी देखिए फ्रेंड्स हमारा क्यूब लगभग पूरा बन चुका है, सिर्फ जो है ये कॉर्नर पीसेस को अब अपने अपने प्लेस पे लगाना है। तो इसका भी एक बेसिक सा एल्गोरिथम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो है इसमें कंडीशंस हो सकती है गाइस, इसमें जो कंडीशन है वो ऐसी होगी कि आपके एक बना हुआ होगा या तो फिर एक भी बना नहीं हुआ होगा और येलो कलर आपका पूरा बना हुआ होगा। तो हमें क्या करना है, उसमें वही एल्गोरिथम लगानी है, सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगानी है। अभी देखिए हमें क्या करना है, एक ऐसा कॉर्नर पीस देखना है जो अपनी ही प्लेस पे हो, सिर्फ वो मूव हो। देखिए अभी ये यहाँ पर चाहिए था तो ये नहीं ले सकते अभी हम, ये भी जो है अपने पोजीशन पे नहीं। देखिए गाइस ये अपनी पोजीशन पे है, ऑरेंज ग्रीन और येलो ये यहाँ पर ही चाहिए, सिर्फ इतना है कि ये अपने प्लेस पे मूव होना चाहिए। तो अभी हमें क्या करना है, इसे अपने राइट साइड में ले लेना है जो अब उसके प्लेस पे है। तो उसे राइट साइड में लेके एक एल्गोरिथम लगाना है, वो एल्गोरिथम भी आपके स्क्रीन पे आएगा, आ रहा होगा। देखिए U R U L U R U L। देखिए हमने इसे एक बार कर लिया है, अभी भी अपने पोजीशन पर है, अभी भी आपका नहीं बना होगा। अगर नहीं बना हुआ हो तो हमें फिर से वही एल्गोरिथम यूज़ करना है, U R U L U R U L। देखिए फ्रेंड्स अभी जो है हमारे ये जो कॉर्नर पीसेस है वो सारे अपने सही पोजीशन पे आ गए। देखिए ये तो ऑटोमेटिक बन गया है, और आपके जो है अगर एक बनेगा तो जो है तीनों, अगर आप तो तीनों आपके सेम होंगे, येलो सामने होगा, ये येलो सामने होगा, ये येलो सामने होगा। अभी देखिए दो बने हुए हैं तो आपके जो येलो है एक बार राइट में होगा और एक बार सामने होगा राइट पोजीशन में। तो देखिए अभी हमारा जो है क्यूब लगभग बन चुका है, हमें सिर्फ इसे अपनी पोजीशन पे मूव करना है। अभी आपका ऐसा भी हो सकता है कि चारों मिले हुए ना हो,
कोई 3 मिले हुए हो, अभी तो देखिए मेरे 2 मिले हुए हैं, और ऐसा कभी नहीं होगा फ्रेंड्स की जो है दोनों के दोनों मिले हुए हो। मतलब दोनों के दोनों मिले हुए होगे तो आपका क्यूब बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों मिले हुए हो और क्यूब नहीं बन रहा है, क्योंकि वो तो बेसिक से बात है फ्रेंड। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपका तीनों बने हुए हो और एक हुआ हो, क्योंकि एक अगर होगा तो फिर आप समझ सकते हैं गाइस कि आपका क्यूब बन ही नहीं सकता। तो देखिए फ्रेंड्स अभी क्या करना है, कौन सी भी एक जो बना हुआ नहीं उसे अपने राइट टॉप राइट में लेकर आना है। देखिए अभी मैं जो हूँ इसे अपने टॉप राइट में लेकर आता हूँ, अपने ही पोजीशन पे लेकर आता हूँ। आप कहीं भी कर सकते हैं पर मैं अपने पोजीशन पे करता हूँ ताकि आपको समझने में इजी जाए। तो देखिए फ्रेंड्स हमें जो है, मैं इस बार पिंक का कर रहा हूँ। तो देखिए हमें फ्रेंड्स क्या करना है, एक अल्गोरिदम है, बहुत सिंपल सा अल्गोरिदम है फ्रेंड्स, सिर्फ 4 स्टेप्स का अल्गोरिदम है, वो भी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। आर डैश बी, देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, आर डैश बी डैश आर डी। अभी भी नहीं बना गाइस अपनी पोजीशन पे, तो इसे एक और बार करना है, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी। देखिए फ्रेंड्स अभी ये आ गया है। अभी फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसे अपनी पोजीशन पे रहने देना है, कहीं मूव नहीं करना है, और जो ये टॉप लेयर है उसे हमें मूव करना है, और जो बना हुआ नहीं है उसे इस पोजीशन पे लेकर आ जाना है। तो देखिए अभी मैं इसको इस पोजीशन पे लेकर आ गया हूँ, तो हमें वही फॉर्मूला वापस से लगाना है। देखिए फ्रेंड्स आपका अभी जो है टॉप लेयर भी बन गई है और ये आपका क्यूब बन गया है। देखिए फ्रेंड्स अगर आपके 3 नहीं हो तो उस वो कंडीशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं लेकर आया हूँ, देखिए इसमें आपका 1 बना हुआ है और जो 3 पीसेस है वो नहीं बने हुए हैं। तो इसमें आपका ऐसा भी हो सकता है कि येल्लो फ्रंट में हो, अगर फ्रंट में रहा तो सब साइड्स के जो है वो फ्रंट में ही रहेंगे। अभी देखिए मेरे ये राइट में है तो मेरे सारे के सारे इसमें राइट में ही हैं, देखिए इसमें राइट में है, इसमें भी राइट में है। तो अभी क्या करना है, जो बना हुआ नहीं उसे अपने राइट टॉप में लेना है और वही एल्गोरिथम लगाना है। देखिए अभी हमारा ये बन गया, अभी हमें इसे मूव नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स मैं वो कंडीशन लेकर आया हूँ जिसमें तीनों मैच ना हो। देखिए अभी मेरा जो है येलो फ्रंट में है और ये जो है अपने अपने पोजीशन पे ही। तो देखिए अभी तीनों फ्रंट में हो गए यार, तीनों राइट साइड में हो गए, तो अभी हमें क्या करना है वही एल्गोरिथम लगाना है। देखिए वो एल्गोरिथम आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। देखिए अभी मेरी साइड बन गई है, तो हमें सिर्फ टॉप लेयर को मूव करना है और वही एल्गोरिथम फिर से रिपीट करना है। देखिए अभी मेरी ये साइड भी बन गई है, अभी ये वाली साइड बनाते हैं। फ्रेंड्स देखिए अभी हमारा क्यूब जो है वो सॉल्व हो चुका है, हमें सिर्फ इसे अपने पोजीशन पे लेकर आना है। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो क्यूब है वो सॉल्व हो गया है। सो फ्रेंड्स ये इतना सिंपल क्यूब है फ्रेंड्स, आपको कोई और वीडियो चाहिए फ्रेंड्स तो मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगा, और बहुत जल्द आपके लिए एक नए क्यूब की ट्यूटोरियल भी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, मैं आपके लिए बहुत जल्द एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको ये वीडियो के नोटिफिकेशन मिले।